मुख्य अतिथि के रूप में विराजे थे महाराव राजा साहब भूमि साथी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं राजा धीराज सापुरा राष्ट्रीय राजपूत गढ़ी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम में हर समय में हर तरीके का सहयोग करने वाले और इस समाज के युवाओं को जब भी कभी भी इस समाज पे कोई ऐसी आन विविधता पड़ती है जब हम सबको सहयोग करने वाले आदरणीय योगेंद्र सिंह जी खटार साहब इस ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक मेरे साथ पंचायत समिति के सदस्य बनवारी जी शर्मा युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा मेरी छोटी बहन शिवांगी जी का नाम धनोक माता में जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है और उस धर्मशाला निर्माण की समिति के अध्यक्ष भीलवाड़ा ठिकाने से बजारे में मना साहब अगरपुरा महाराज साहब और भी जितने भी मंचासीन अतिथि या विराजमान आप सबका ओम मना सेवा संस्थान में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करूंगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ मंचासीन अतिथियों को और मेरे सामने विराजमान सभी क्षत्रिय बंधुओं को संतराणियों को 7 दिसंबर 2013 और सबसे पहले हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस मूर्ति की मूर्ति की स्थापना करकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज ये 10वां कार्यक्रम है। आप सभी समाज के बंधुओं का बाबा साहब का सभी का जो अथक हमें सहयोग प्रदान होता है उसी से इस कार्यक्रम की भव्यता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा इस संस्थान में अभी 11,000 रुपए जो धर्मशाला निर्माण हो रही है धनोक माता में वह दिया है। इसके अलावा इस संस्थान के जितने भी स्वयं सेवक है हम सब लोग मिलकर जब भी समाज में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जैसे कि सामूहिक वास मेलन सिंगोली में हर वर्ष होता है उसमें हमारे यहाँ से 50 स्वयं सेवक ओमना सेवा संस्थान के जाते हैं। हम लोग अपनी पूर्णवार सेवाएं प्रदान करते हैं चाहे रक्तदान हो चाहे समाज का हो कोई ये संस्थान का उद्देश्य है समाज के हर काम में भागीदारी करना इस समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए हम पूर्ण सहयोग करते हैं। इस संस्था के साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी समाज के लोग यह विराजमान है मेरे साथ हम सबको मिलकर इस समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस समाज में कुछ कुरीतियां थी धीरे धीरे वो कुछ कुरीतियां हाथ तो बंद हो गई दहेज पटना शराब ये सारी चीजें दिन दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसके लिए हमारे समाज के लिए हम सब के लिए अच्छे संकेत है। कई जगह आज हमें देखने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि टीका वापस लौटा रहे बहुत अच्छी बात है। उन युवाओं का मैं हृदय से स्वागत करूंगा जो बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में दहेज पटना का विरोध करने वालों का जो शराबबंदी जो हमारा सबसे बड़ी हमारे समाज को जो आगे तो बार हो यार अटक तो बे ओए कन तो बैठ जाओ कन फाचा जाओ उबा मित्र आगे आज आप लोग इससे दूर हो रहे तो आप हम सबके लिए भी मैं सब युवा पीढ़ी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। पंचासीन अतिथि और सामने समाज के सभी बुद्धिजनिया विराजमान आज सवेरे इस कार्यक्रम का जब 4 बजे रात से शुभारंभ हो रहा था और कुछ प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर और हम लोगों का कहा कि आप डीजे नहीं बजाओगे आप हथियार नहीं ले जाओगे तो मुझे उन्होंने कहा कि मुकदमे लग जाएंगे। मैंने कहा अधिकारी जी मैं जब से प्रधान बना हूँ मेरे पर 6 मुकदमे लगा दिए अगर ओम मना के कार्यक्रम में 1 मुकदमा और लग जाएगा मेरे पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं लेकिन डीजे भी बजेगा और ये क्षत्रिय हथियार भी लेके जाएंगे हम डीजे नहीं हटेंगे और जो डीजे आज तो दो है अगले कार्यक्रम में 5 डीजे आएंगे। अगर आप में ताकत है तो डीजे को रोक के बताना हम किसी समाज का विरोध नहीं करते। जब भी आप लोग डीजे बजाते हैं हमारा समाज सदा आप लोगों का सहयोग किया लेकिन ऐसे अधिकारी जिन्होंने मुझ पर मुकदमे लगाए आपको आश्चर्य होगा मुकदमा किस बात के मेरे पे 4 बजे आपकी बारात ले जाने का मेरे पे मुकदमा
गर्दन भी कट जाए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जो इस कौम ने, इस समाज ने मुझे बनाया है, इस कौम में जन्म लिया है, जो सत्य पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा है, आप सब लोग इस समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जो मुझसे बोलता मेरे से ज्यादा अच्छे वक्ता यहाँ इस मंच पर विराजमान है, महाराज साहब है, राजा दी राज है, आप सब हमें समाज को आगे नई दिशा और मार्गदर्शन देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय ओम मनादा। सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान साहब कर सिंह जी बेलवा को मैं कहना चाहूंगा कि रत हो चला वो मंदिर भी आएगा, रत हो चला वो मंदिर भी आएगा, पैसे के पास समंदर भी आएगा, रत हो चला वो मंदिर भी आएगा, पैसे के पास समंदर भी आएगा। अरे छत पर ना बैठना मेरे मंजिल के मुसाफिर, अब फिर मिलने और मिलाने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। ऐसे छोटे छोटे तूफान आते रहते हैं, जोरदार ताली। हमारे मध्य में भारतीय कंवर जी शेखावत पधारे हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आपसे आग्रह कि आप ही मंच पर पधारें।